नमस्कार आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया खास प्रोग्राम मेरा आसमा इसमें हम उन लोगों से जुड़ेंगे जिन्होंने समाज के लिए ऐसा कुछ किया है जिसमें आपको महसूस होगा कि ये तो सब मेरे लिए ही किया गया है जैसे उसमें मैं तुम्हारा हमारा कुछ नहीं और उन लोगों का बलिदान जो देखा जाएगा जिन्होंने अपने समाज के लिए किया है तो आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं और रश्मि सिंह जी से का परिचय जो है एक आई अधिकारी के रूप में है पर मैं एक आई के साथ साथ उनको व्यक्तिगत रूप से जब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि एक आई के साथ मैं बैठा हूँ तो रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आज मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि के बारे में जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च की तो आप राजनीति में भी इंटरेस्ट रहा है आपका शुरू में शुरू में मैं तो राजनीतिक परिवार में पली और बढ़ी हूँ तो इसलिए जब मेरा जन्म हुआ तो वहाँ मैंने एक जो परिवेश देखा वहाँ साहित्य था वहाँ संस्कृति थी वहाँ कला यह सब विरासत में मिली साथ में राजनीति भी रही और मेरे बाबा जो मेरे पिताजी के पिताजी वो बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो सदस्य रहे फ्रीडम फाइटर थे और लेखक भी थे और पिताजी जिनकी एक किताब में हमेशा शीर्षक को बड़ा पसंद करती हूँ वह राजनीति की धूप और साहित्य की छाव और आज पिताजी के जन्मदिवस को हम लोग बड़ी उत्साह से मनाते हैं आज आपके लिए बहुत खास दिन है और बहुत ही ख़ास दिन मैं बोलूँगा एक पिता के लिए और बेटी के लिए बेटी का पिता से जो कनेक्शन माना जाता है वो बहुत ही खास है आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाई आपके पिताजी के जन्मदिन की और आपने राजनीति के ऊपर बात करी आपने अपने एक राजनीतिक परिवार से बहुत कम देखा जाता है कि कोई सर्विसेज में जा रहा है आपने सर्विसेज कैसे चुनी कि आपको सर्विसेज में जाना है जबकि राजनीतिक परिवार था तो आपको कैसे लगा कि मतलब मुझे यही करियर मुझे चुनना चाहिए करियर चॉइस की जहाँ तक बात हुई मैं बिहार से हूँ बिहार में ऐसे आप घर घर में देखेंगे कि आईएएस बनने का सपना सबको रहता है आई आईएएस के साथ साथ बाकी भी आईपीएस पी है और सिविल uh, सर्विसेज में जितने भी हमारे एक uh, घर घर में एस्पिरेंट्स बने रहते हैं जहाँ तक हमारे परिवेश की बात है और फिर ऐसा सोच क्यों आया तो ये मैं कहूँगी कि हमारे परिवेश में बचपन से लोक सेवा समाज सेवा इसकी एक uh, सोच परंपरा बनी रही और यह हमने महसूस किया कि बहुत कम ऐसे जॉब्स होते हैं जो कि हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं बड़े व्यापक स्तर पे कुछ लोगों के लिए कर पाने का और जहाँ तक सिविल सर्विसेज का की बात है सरकार में जब हम काम करते हैं गवर्नेंस के लिए काम करते हैं तो हमें अपने आप एक मौका मिल जाता है कि बड़े स्तर पे हम चेंज ला पाए तो हम जब बड़े हो रहे थे उस समय ज़रूर था कि बिहार के इस परिवेश में लड़कियों और लड़कों की आकांक्षाओं में यह देखा जाता था कि शायद दर्ज अ जेंडर डिफरेंस क्यों क्योंकि मैंने इस परिवेश में महसूस किया था ज़्यादातर कहा जाता था कि लड़कियों को तो देखो घर भी चलाना है इसलिए वो टीचिंग सबसे सबसे अच्छा प्रोफेशन है सबसे कम समय देना है तो ज़्यादा इनक्रेज वह किया जाता था कि आप टीचर बनो ऐसे तो मैं उसको बहुत नोबल प्रोफेशन मानती हूँ और मैं यह भी मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसमें कम समय देना चाहिए मेरा ये विचार है कि टीचर आज की तारीख में इतना नोबल प्रोफेशन है कि ट्वेंटी फ़ोर बाई उसमें भी एक लीन होकर तलीन होकर के और बड़ा परिश्रम करना पड़ता है बच्चों के साथ ही सिर्फ नहीं अपने साथ भी बिकॉज यू हैव टू बी अंटीन्यूस लर्नर योर सेल्फ टू बी एबल टू इम्पार्ट यू नो बेटर आउटकम फॉर दैट यू आर टीचिंग लेकिन तभी भी लोगों के नज़रिए में बड़ा फर्क रहता था कि नहीं ये तो सिविल सर्विसेज से बहुत बड़ा चेंज आ सकता है तो हमारे पास एक यह भी थी एक चैलेंज थी क्योंकि बड़ा कठिन था करीब मैंने जब दिया चार लाख लोग देते थे और उसमें करीब छः सौ लोग उतीन होते थे तो एक चैलेंज शुरू से क्योंकि लेने की आदत भी रही पढ़ाई करती थी स्कूल में बहुत सारे अलग 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 स्कूल में जाने का मौका मिला क्योंकि पहले पटना से पढ़ाई शुरू की दिल्ली आई दिल्ली में कुछ दिन पढ़े दिल्ली में भी अलग अलग स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़े भारतीय विद्या भवन में भी पढ़े टेंट में भी पढ़े बिल्डिंग में भी पढ़े हम पटना जब लॉट करके गए वहाँ पे हमने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट है तो नॉटरडेम प्लस टू वहाँ पे है वहाँ से किया फिर दिल्ली आ गए लेडी श्री राम में और तो अलग अलग जहाँ भी जाते थे एक लगता था कि अपना एक चैलेंज है एक नए परिवेश का चैलेंज है अच्छा करना है सिविल सर्विसेज क्योंकि एक किया था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो क्यों ना हम उस चैलेंज को लें सेवा भी करने का मौका मिलेगा साथ में उस चैलेंज में लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ हासिल किया तो ये दोनों को मिला करके क्योंकि हमारे समय शायद वो अपरचुनिटीज़ कम थे आज की तारीख में मैं मानती हूँ कि बच्चों को अपरचुनिटीज़ ज़्यादा है सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं है जिसके बारे में वो सोचते हैं आज के बच्चे जो हैं वो कई तरह के बड़े इनोवेटिव ख्याल में जी रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो Uh, किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं खुश रहना जानते हैं अपने आप से जरूर कम्पीट करते हैं और uh, एक डिग्निटी ऑफ लेबर है और जिसकी मैं बिल्कुल प्रशंसा करती हूँ आज आप जम्मू कश्मीर में हैं जम्मू कश्मीर में आप पोस्टेड हैं देश की सबसे खूबसूरत जगह है, कैसा लगता है आपको ऊपर uh, देखिए सबसे खूबसूरत जगह तो है लेकिन साथ में चैलेंज भी है उस परिवेश में क्योंकि मैं जब गई कुछ लोगों ने दिल्ली में मेरे साथ बड़ी सहानुभूति प्रकट की आप कहाँ जा रही हैं आपका ट्रांसफर रुकवा दें मैं उन्हें ये देख रही हूँ कि अंदर से मुझे तो बड़ा उत्साह लग रहा है मुझे लग रहा है मैं फिर एक नई चुनौती नए चैलेंज को बड़े खुशी खुशी मैंने उसका स्वीकार किया और यहाँ ये लोग मुझसे सहानुभूति क्यों कर रहे हैं तो तो चैलेंज वहाँ से शुरू होता है लोगों के देखने के नज़रिए से उसके बाद जैसे मैं वहाँ पर पहुँची कुछ लोगों का यह था कि नहीं देखो जगह तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपको बड़ा संभल करके काम करना है ज़्यादा मिक्स नहीं करना है बाहर नहीं जाना है और आ, किसी पे विश्वास नहीं करना है ऐसा भी लोगों ने मुझे कहा यह सब मेरे नेचर के खिलाफ जाता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास करती हूँ मैं एक आउटडोर पर्सन हूँ बाहर जब तक लोगों से बात तो, तो आपने तो जितना जितना जम्मू कश्मीर के बारे में सुना था अब आप देख पा रही हैं 370 हटने के बाद आपको कुछ लगा कि जो मैंने सुना था वो नहीं है कुछ चेंज आया है वहाँ पर हाँ क्योंकि जो लोगों ने एक धारणा अभी भी बना कर रखी थी कि माहौल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कुछ ऑफिसर्स ने भी मुझसे कहा कि नहीं नहीं आप कहाँ बाहर टहलेंगी वो तो घर में जो कॉलोनी है ये है उसके अंदर से हम बाहर थोड़ी निकलते हैं तो अब जो नया गवर्नेंस का मैंने माहौल देखा है वहाँ पे वातावरण में काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए गए हैं और हम जैसे लोग या बाकी लोग जिसको मैं भी प्रेरित अब तो करती हूँ कहती हूँ कि जब आप इस वातावरण में बदलाव को नहीं महसूस करोगे तो फिर वह वातावरण पूरी तरह से कैसे बदलेगा सिर्फ सरकार वातावरण को बदलती नहीं है हम लोग सब समाज के लोग क्या सोचते हैं उससे वातावरण बदलता है तो जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है बहुत फर्क पड़ा है पहले में और अब में जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं सरकार की स्कीम के साथ में तो यह भी बदलाव सिर्फ देखा ही नहीं है मैंने लोगों से जितनी बात की है तो यह महसूस किया है कि बहुत सारी योजनाएं सरकार की जो पहले लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी वो आज की तारीख में पहुंच रही हैं महिलाओं का समूह स्वयं सहायता समूह जिससे कि मेरा बड़ा व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है तो उनसे भी जब मैं बात करती हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो भी सरकार की जैसे हमारी योजना होती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उसमें जो समूह बनते हैं तो वहाँ की जो सचिव हैं वो भी बहुत अच्छा काम उसमें कर रही है रूरल डेवलपमेंट की लेकिन हम कितना भी अच्छा काम करें जब तक लोगों को विश्वास नहीं होता है लोग नहीं आगे आएंगे तो बहुत महिलाओं को मैंने देखा उनसे बात की और वो वाकई इसका फ़ायदा ले रही है हमारा टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसकी एक कैंटीन थी खाली पड़ी हुई थी तीन चार साल से मैंने उसी समूह में एक का चयन करके वहाँ पर उनको कैंटीन सुपुर्द किया कि आप चला करके दिखाओ ऑल विमेन कैंटीन जो यहाँ डेली गवर्नमेंट में जब मैं कार्यरत थी यहाँ के सचिवालय में कैंटीन चलती है आप कभी जा कर के वहाँ पर खाएँ वो भी ऑल विमेन कैंटीन है उसका नाम ही है स्त्री शक्ति तो मुझे ख्याल आया कि क्या श्रीनगर में भी ऐसा हो सकता है तो शुरू में तो लोगों को लगा कि बड़ा मुश्किल है लेकिन आज वो महिलाएं चला रही हैं दूर दराज से आ रही हैं वहाँ पे किराए पे उन्होंने घर लिया है और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली काफ़ी अच्छा उनको वहाँ पे मार्जिन भी मिलता है अपने घर को वो सपोर्ट करती हैं जिससे कि आ, करीब पांच महिलाओं का मतलब बड़े कठिन परिस्थिति में वो पहले थी तो इस तरह के अनेकों जो हम बदलाव देख रहे हैं ना स्कीम तो है लेकिन स्कीम से लोगों के ज़िंदगी में क्या बदलाव हो रहा है तो यह कुछ कुछ झलकियाँ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ लेकिन माहौल तो बहुत बदला है घर के अंदर भी आवाज मैं तो। आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ जहाँ उत्तराखंड से मैं हूँ महिलाओं महिलाओं ने उत्तराखंड का आ, जो उत्तराखंड राज्य अलग बना उसमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है फिर आप महिलाओं को बेचारा शब्द क्यों कहीं ना कहीं पे आज भी जिस तरह से एसिड अटैक होते हैं बलात्कार हो रहे हैं इस तरह की जो घटनाएं घटती है तो मन पीड़ा होती है घटना लेकिन उसको जनरलाइज आप नहीं कर सकते तो जो तो जनरल जो पिक्चर है बदलती हुई जो स्थिति है महिलाओं की पहले तो उसे हम देखें और उन बच्चियों के एस्पिरेशन को समझें जो कि इसकी एक अहम तो इसमें एक भूमिका निभा रही हैं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी कर सकती हैं आज की तारीख में आप देखिए जो भी रिजल्ट आते हैं उसमें बच्चियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं जी है बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ तो आपकी बात से बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं और करना भी चाहिए और वो मैं अपने ऑफिस में भी अपनी सभी जितनी बच्चियाँ हमारे यहाँ काम करती हैं मैं उन सबको बोलता हूँ तुम लोगों के कितने सारे रोल्स हैं जीवन में कभी तुम बेटी हो कभी तुम बहू बनोगी कभी बीवी बन मतलब इस तरह के इतने रोल्स हैं तुम लोगों को कितना डिफाइन करने का मौका मिलता है तो एक महिला ही एक्सपेक्ट किया जाता है आदमी के पास एक दो ही रोल होते हैं देखिए मल्टीपल रोल्स तो सबके होते हैं हाँ जी देखिए पुरुष के भी होंगे नारी के भी होंगे मल्टीपल रोल्स सबके होते हैं ठीक है क्यों क्योंकि वो भी एक बेटा है वो भी एक पति है जी वो भी एक पिता है मल्टीपल रोल तो हो गया पर उसको अपना अपना घर घर नहीं छोड़ना पड़ता महिलाओं को एक अपना घर ऐसा तो नहीं है ऐसा नहीं है आज की तारीख में तो बेटा बेटी दोनों घर छोड़ते हैं कहीं भी नौकरी करना है दोनों को जाना है दोनों जाते हैं तो यह भी मानना गलत है रूढ़ीवादी सोच को हमें बदलना होगा ठीक है आज की तारीख में जितना मतलब लड़के को घर से बाहर जाकर के नौकरी करनी है लेकिन मैं कुछ और कहना चाहती हूँ कि ये जो मल्टीपल रोल्स है महिलाओं के अंदर एक नेचुरल एक स्ट्रेंथ है बैलेंसिंग का ठीक है उसके अंदर एक संतुलन लाने का इन द मल्टीपल रोल्स ये महिलाएं बड़े अच्छे से जो है मुझे लगता है मेरी ये व्यक्तिगत सोच है कि वो कर पाती हैं जो कि बहुत मुश्किल काम होता है मल्टीपल रोल्स को बैलेंस करना और ये स्ट्रेंथ जो है आज की तारीख में जब महिलाएं प्रोफेशनल आ, स्तर पे उत्तीर्ण हो रही हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही कि प्रोफेशनल फ्रंट को भी मैनेज करना पर्सनल फ्रंट को भी मैनेज करना कैसे आप बैलेंस करते हैं तो इस मुश्किल में भी मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ कि वो ये अपना रोल बैलेंसिंग जो है बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली कर रही है आज आपके लिए बहुत खास दिन है आज आपको कौन सी एक ऐसी बात याद आती है जो आपके पिता ने आपसे कही होगी कोई खास बिल्कुल देखिए मेरे पिता की इतनी बातें हैं कि सिर्फ एक कोई खास बड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत सारी उनकी पंक्तियाँ जैसे वो हमेशा कहते थे चरे वेती चरे वेती चरे वैती। उस समय शायद उतना समझ नहीं आता हो कि क्या बोल रहे हैं पिताजी <laughs> आज की तारीख में मैं ज़्यादा समझ पाती हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी ज़िंदगी एक यात्रा की तरह लगती है पिताजी हमेशा एक यात्रा में रहते थे और यात्रा को बहुत आनंद लेते थे आनंदित रहते थे दूसरों को आनंद देते थे तो उसी तरह से मैं मुझे भी अपनी ज़िंदगी में लगता है कि मैं भी एक चर्या की तरह जो है चल रही हूँ और यह भी कहते थे उनकी बहुत सारी पंक्तियां जो याद आती हैं बड़ा वह आदमी जो ज़िंदगी भर काम करता है बड़ा वह आदमी जो ज़िंदगी भर काम करता है बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है अब हम जिंदगी के इस कगार पे हैं कि पिताजी की इन सब बातें जैसे हमेशा कान में गुजती है शायद उनकी अपने वाक्य नहीं है किसी शायर ने लिखे बहुत अच्छे ये वाक्य हैं लेकिन क्योंकि वह बोलते थे तो इसलिए मैं समय समय पर उनकी ये बातें याद आती हैं उनकी किताबें जब इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी तो हाँ। उनकी किताबें नहीं ये तो दी। उनकी दी। किताब दी। नहीं है बिल्कुल हाँ ये उनकी ऊपर किताब है आप देखिए कि ये किसी ने उनके ऊपर पीएचडी की और उनकी लेखनी के ऊपर पीएचडी की अब जैसे यहाँ पे पिताजी की लिखी हुई लोकप्रिय कहानी ये अब कहानी का मैं कुछ भी अगर खोलूँगी दो लाइन भी पढ़ते हैं लगता है कि सब कुछ जैसे सामने सजीव हो रहा है तो उनके हर वाक्य में जैसे जीवन था हर वाक्य में दर्शन था हर वाक्य में लोगों को जैसे अंदर से बिल्कुल वो आ, टच करने का उनके अंदर एक भावना पैदा करने की वो शक्ति थी और आ, ये जो शक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है और इनके पिताजी के जो लिखी हुई किताबें हैं उनके शीर्षक भी देखती हूँ तो इतने सुंदर अपना ये शीर्षक हर के लगते हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं मुझे लगता है कि मैं इतने जितने लोगों से मिलती हूँ जो उनके आ, सानिध्य में आए सबके पास मतलब ऐसी सुंदर बातें उनकी उनके मुंह से निकले हुए वाक्य उनके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी ठीक है कभी उन्होंने प्रेरणा के शब्द दो शब्द किसी को बोले तो हर किसी के पास उनके शब्दों के बहुत सुंदर एक खजाना जो है ना उन्होंने सबको झोली में दिया हुआ है तो आपके साथ शब्द इतने अच्छे हैं कि आपको लगता ही नहीं कि पिताजी कहीं दूर हैं। उनको पढ़ती होंगी जब आपको दिखता कि वो खुद सुना रहे हैं हाँ हाँ, हाँ आपने एकदम सही कहा बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब गांधी पे भी उन्होंने बहुत लिखी और ये सब प्रतिबद्धताएं उनकी जो रही भाषा को लेकर के पर्यावरण को लेकर शिक्षा को लेकर मैम आपको कैसे क्या लगता है कि अभी मैंने कुछ किया है अभी क्या बाकी है अभी मेरे को कितना और कुछ करना है समाज के लिए मुझे मैंने अभी आपको कहा कि बड़ावा आदमी जो जिंदगी भर काम करता है तो मुझे लगता है जिंदगी के हर क्षण तक मुझे काम करना है और जिंदगी तो बहुत बड़ी है आज की तारीख में आपको पता है लॉन्गेविटी तो यह है अपने आप को स्वस्थ रखना है सकारात्मक सोच बना करके रखनी है और काम उसमें आ, स्काई लिमिट। मुझे ऐसा लगता है तो शायद आपने यह भी कहा कि आपके कार्यक्रम का भी नाम ऐसा कुछ है हाँ जी मेरा आसमान आस्मा। मेरा तो मैं तो खुद ही यह बात जो है खुद यह फील करती हूँ कि स्काई शुड बी द लिमिट फॉर एवरी वन जी जी सिर्फ मेरे लिए क्यों सबके लिए तो आप जब अपने कार्य में जब व्यस्त रहती हैं तो फैमिली काम दोनों को कैसे मैनेज कर पाती हैं मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है ये तो और इसलिए मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए तो बस एक यह बोध होता है कि फैमिली का मतलब यह नहीं है कि हम जो है अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में कितना वक्त दे रहे हैं फैमिली को उससे हम मापें वक्त तो मैं ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ को ही देती हूँ वही वो, वो, इसीलिए मैंने पूछा लेकिन फैमिली में एक भावना होती है फैमिली में एक दूसरे के लिए एक ट्रस्ट होता है एक रिस्पेक्ट होता है फैमिली में एक दूसरे के को बढ़ते हुए देख करके जो खुशी होती है तो हमारी फैमिली वैसी है कम लोग हैं लेकिन बड़े खुश होते हैं आपने जैसे बताया कि आपको दीदी के रूप में वहाँ देखते हैं तो एक तरह से दीदी की उपाधि आपको मिल चुकी है वहाँ पर नहीं दीदी मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए सरकारी इसमें लाइक क्या, क्या हो जाता है कि कई बार वो मैडम मैम ये सब उससे आप सिर्फ एक अफसर वाला एक रिलेशनशिप हो मैं सिर्फ अफसर वाला नहीं कहीं भावनात्मक तौर पे टीम हमारी जुड़ी रहती है वो एक परिवार के रूप में मुझे देखते हैं और वैसा ही स्नेह भी देते हैं ये मैं कहूँगी कि मतलब फिर मैं बहुत लकी हूँ कि वो ना जो स्टाफ भी होते हैं ठीक है आपका ड्राइवर है आपके गार्ड है आपके अन्य जो सेवक हैं तो आपके स्टाफ भी आपको किस रूप में करते हैं वो इतना केयर करते हैं तो मुझे ये लगता है कि नहीं मतलब क्या ये मेरा एक नया फैमिली नहीं है तो इससे फैमिली का डेफिनेशन जो परिभाषा बदलती जाती है उसकी परिधि को विस्तार जो है वो यदि हम दिल से आ, परिवार के डेफिनेशन को बहुत संकीर्ण नहीं बनाए तो जो बाउंड्री है उसका विस्तार होता जाता है सबसे यादगार पोस्टिंग आपकी आप इतनी जगह रही हैं सबसे यादगार पोस्टिंग देखिए लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल जैसे वो गंगा से वितस्ता वितास्ता यानी झेलम तक अब चली गई हूँ गंगा मेरी जन्मभूमि रही पटना में और वितस्ता झेलम तक जब वहाँ जाती हूँ चेनाब है झेलम है तो लेकिन अभी तक की सबसे यादगार पोस्टिंग तो मुझे एक और अन्य में आ, मैंने नदी की बात की मैं अब समुद्र की तरफ लेकर के जाऊँगी वह अंडमन में रही अंडमन में रही क्योंकि सागर के बीच में कई द्वीप और उसमें जो है मुख्य द्वीप जो पोटम्लेर में भले मेरा घर था लेकिन कई तरह अलग अलग द्वीप में जब यात्रा करती थी तो फिर मुझे लगता था अद्भुत वह जर्नी थी तो वह जर्नी जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती भी है चैलेंज भी था सरकार की योजना कैसे पहुंचाएं वहाँ देखने पे नज़रिए पे है दूसरा आप क्या खूबसूरती लेकर के आते हैं आप क्या बदलाव लेकर के आती हैं अगर रंकी जैसी बच्ची की ज़िंदगी में अगर मैं बदलाव ला सकती हूँ खूबसूरती वहाँ है और खुशी है। उससे हमें हासिल करना है सिर्फ पहाड़ नदी देखकर प्रकृति को देख करके पर्याप्त नहीं है उससे प्रेरणा क्या लेते हैं जी क्या उस ऊंचाई से मैंने पिताजी में हमेशा महसूस किया है कि वो एक तरफ उनकी जो सोच थी जिसमें एक मैं ऐसा महसूस करती थी कि उसमें बहुत ऊंचाई थी जिसको मैं आज की तारीख में कह सकती हूँ हिमालय की ऊंचाई की उपमा दे करके उसी सोच में बड़ा बहुत गहराई भी थी डेप्थ था आज मैं कह सकती हूं कि वो सागर की गहराई उसमें थी तो प्रकृति से यही सब तो हमें सीखना भी है ना सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट और की हमें बड़ी सुंदर दृष्टि मिल गई नहीं उससे आप क्या मतलब उस को अब वाले ने जब आपका नामकरण करता है तो ऊपर उस, उसका भी एक मकसद होता है आपका नाम रश्मि रश्मि का मतलब किरण रिंकी के जीवन में आप एक किरण की तरह आई मतलब ये नाम का मतलब है इसके पीछे पूरा आपका जिस तरह से वो <laughs> <वही मैं> <laughs> मकसद से लिखा अ किसके जीवन में आप किरण बन के आई तो आपसे बात कर कर ऐसा लग रहा है कि अभी बात करते ही चले जाएं मगर प्रोग्राम की थोड़ा टाइम का इशू है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया रहा आप चलते चलते अपने पिताजी की कोई दो पंक्तियां हमें सुना दें जिसको हम बिल्कुल याद रखें तो आप चलते चलते दो भी कोई दो पंक्तियां तो ऐसा क्यों नहीं करूं कि जो भी पंक्ति इसमें खुलती है जी हाँ कहीं से भी चलिए इसी को करता हूँ हाँ ये पिताजी कह रहे हैं आसमान में केवल बादल ही बादल घेराए हैं पत्तियों की शाखा पर शबनम की बूंदे जल कण के समान टंग गई है एक सफेद सा प्यारा कुत्ता बरामदे में बैठा अजनबीपन से बाहर देख रहा है और मेरी कल्पना में आकर खड़ा हो गया है शायद वहां भी ऐसे ही बादल घिराए हो दृश्य का सुहावनापन अंदर ही अंदर बिजली की तड़प पैदा कर रहा है पस करता हूँ अब सोचता हूँ कहीं भुवन ने इस पत्र को पढ़ लिया तो आगे कुछ है कहानियों का वर्णन भी है चलिए एक और दो लाइन जी जी, जी जी वर्तमान को छोड़कर जो भविष्य की बातें किया करता है वे तो पलायनवादी हैं भला जिसने वर्तमान को नहीं संभाला वो भविष्य का सौदा कैसे कर सकता है ये तो बड़ा अद्भुत है जी, जी. मतलब कहीं मुझे लगता है कि पिताजी बड़े दार्शनिक और दर्शन की बात जो बड़े इस पंक्ति से थोड़ा सा अपने आप को जोड़ना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में पलायन बहुत हुआ है और ये शब्द बड़े अच्छे हैं वहाँ के लिए <laughs> बहुत ही बहुत ही सुंदर मतलब तो बहुत सुंदर बहुत पावरफुल बिल्कुल तो ये मतलब क्योंकि वार्तालाप मुझे दिख रही है मैंने कहा था कि मैं कुछ भी खोल लूंगी चलिए एक और हम खत्म करें आह ये शाम को जब काम समाप्त हुए तो महादे ने सभी मजदूरों को एक साथ बैठाकर सरकार के मजदूरी संबंधी नए फैसले का ऐलान किया तथा औरत मर्द दोनों प्रकार के मजदूरों को साढ़े चार रुपये के हिसाब से भुगतान किया सदियों से चली आती देहात की अपनी परंपरा शांति और सुव्यवस्था के पथ पर तभी चल सकती है जब किसान और मजदूर आपसी समझौते से बंध कर चले और सरकार द्वारा निर्धारित कायदे कानून का पालन ठीक ढंग से हो पाए तो कहानियां हैं लेकिन कहानियों में भी दर्शन है कहानियों में भी एक कंटेम्प्रेरी जो एक सामयिक स्थिति को लेकर के एक दर्शन और जो हमेशा कही न कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी रहता है आज भी उसका उतना ही रेलेवेंस होगा जब लिखी तीस साल के पहले लिखी है ना ये सब तो शायद चालीस साल पहले ये लिखी होंगी अब किसान की बात कर रहे हैं मजदूर की बात कर रहे हैं प्रकृति की बात कर रहे हैं लेकिन हर लाइन में कुछ सीख है ठीक है आदमी सोचने पर मजबूर होता है तो बस इस सीख को मैं तो हमेशा अपने साथ रखती हूँ और कोशिश करूँगी जरूर कि पिताजी ने जो नाम दिया है उसके अनुरूप जो है वो अंतिम क्षण तक प्रयासरत जी आपने हमारे सभी सवालों को बड़े ही बेबाकी से सबका जवाब दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात को समझाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप जिस तरह प्रकार से आपका नाम है इसी तरह से आप बढ़ती चली जाएं समाज में आपका आपकी छवि पहले जाए बाद में आपकी पोस्टिंग आए तो लोगों के अंदर ये महसूस हो कि हाँ हमारे यहाँ एक किरण आई है हम बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बारी अगले हफ्ते हम फिर किसी और शख्सियत से मिलेंगे इसी प्रकार आप अपना रखें ख्याल आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया धन्यवाद